हेलो वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ कविता एंड टुडे वी विल लर्न रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर जगह आपको यूज़फुल रहेगा। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यहाँ पर रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। यहाँ से नाम से ही देख सकते हैं रेशो, जो रेशो की फॉर्म में होंगी, मींस जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होंगी एंड जिसमें क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर देखिए कोई भी नंबर जिसको हम जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है इनफाइनाइट। तो ये नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा, वो हो जाएगा इरैशनल नंबर के अंदर। तो यस, इसको फ्रैक्शन को हम बोलते हैं भिन्न, अंश और हर, मींस न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर ये हो गया, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जीरो, जीरो से लेके जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, मींस जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। उसके बाद जो नेगेटिव नंबर्स हैं लाइक माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। चलिए जैसे मैंने एक नंबर लिया माइनस 273, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है पी बाय क्यू की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में वन, तो डेफिनेटली ये एक रैशनल नंबर है। चलिए फर्स्ट ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो भी परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होंगे वो सभी रैशनल नंबर्स होंगे। यहाँ पर देखिए अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर किसका स्क्वायर रूट है? यहाँ पर टू का, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं बात करती हूँ अंडर रूट नाइन की, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नाइन का। अगर मैं बात करती हूँ क्यूब रूट 27, तो ये थ्री का क्यूब है। तो मीन्स जितने भी परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी परफेक्ट क्यूब हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आया है टू, तो टू बाय वन हम लिख सकते हैं, एक रेशो की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू बाय नाइन, यस ये एक रेशो की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। 11/9, यस ये एक रैशनल नंबर है। अगर कोई भी नंबर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, मींस एक मिक्स फ्रैक्शन हो जाए, 9/4/3, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 9/3 = 27, 27+4 हो जाएगा हमारे पास 31, 31/3, तो ये हो गया हमारे पास 31/3, जो एक रैशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 1.44 और अप टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब है कि 1.444 जिसकी वैल्यू है अनंत तक, तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? डेफिनेटली। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो पैटर्न रिपीट होगा वो नंबर रैशनल नंबर्स होंगे। देखिए 1.444 इनफाइनाइट तक है, तो अगर हम इसको एक तरह से एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे 1 + 1.4 bar। इस बार का मीनिंग होता है कि वो पर्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट हुई है। हम इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4/9। इस बार को जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 1 + 4/9 को हम लिख सकते हैं 1 = 4/9। जब हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं लाइक 9 × 1 = 9 हो गया, 9 + 4 कितना हो गया, 9 + हो गया 13, 13/9 जो कि एक रैशनल नंबर होता है। ओके ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम 2.96 bar, 2.98 bar। यहाँ पर 8 के ऊपर बार दिया हुआ है,
तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? यस डेफिनेटली, कैसे होगा देखते हैं। 2.96 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये जो डिजिट, ये जो 96 वाला ये जो डिजिट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट जो भी होंगे वो आपके डेफिनेटली रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2.98। इसमें ये पॉइंट के बाद पूरा नंबर जो ये आ रहे हैं डिजिट, उसमें सिर्फ 8 जो है वो ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, जिनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है अंडर रूट 2, जिसकी वैल्यू है 1.41422135। उसके बाद भी ये नंबर काफ़ी जो है अलग अलग डिजिट्स को यहाँ पर शो कर रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, ये रिपीटेड पैटर्न नहीं है, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू है 1.73205080807। आपको ये वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, जस्ट इनके कंसेप्ट को क्लैरिफाई करना है, इनके कंसेप्ट को समझना है। तो इसके बाद भी ये नंबर जो है आगे नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स अलग अलग पैटर्न को शो कर रहा है। नेक्स्ट अंडर रूट 5 की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू है 2.236067। ये भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर नहीं है। अंडर रूट 8 की बात करें, अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट में, एंड जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 अंडर रूट 2, और इसकी वैल्यू है 2.8284। उसके बाद भी ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक तरह से क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट क्यूब हैं, वो होंगे रैशनल नंबर। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो आ जाएंगे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई। पाई की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि 22/7, 22/7 एक फ्रैक्शन है, वो तो आपका रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू है 3.14, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एंड दैट इज अ 3.14592065। उसके बाद भी इनफाइनाइट ये नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहे, ये जो डिजिट आ रहे हैं ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर। तो आरआरबी के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या पाई एक रैशनल नंबर है? नो, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट ई। ई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू सेम रहती है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2.71822814। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स जो हैं हर बार डिफरेंट आ रही हैं, यहाँ पर डिजिट्स जो हैं वो सेम नहीं आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ये एक त्रिशूल, ये एक त्रिशूल नहीं है, ये एक जाई है, और इसकी वैल्यू है 1.618033396। क्या ये एक रैशनल नंबर है? नो, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो आपको आई होप अब क्लैरिफाई हो गया होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम पता लगाएंगे कि कौन से रैशनल नंबर्स हैं, कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो आई होप आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन।